हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक अमेजिंग डेजर्ट, रबड़ी खीर। मुझे यकीन है आप सबको ये डिश बहुत बहुत पसंद आएगी। आप सब से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स है जिसकी लिस्ट आपके स्क्रीन पर है। केसर है, घी, दूध, चीनी और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया है जो मेरे पास अवेलेबल थे। आपके पास भी जो ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई में घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून और उसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने काजू को रोस्ट करना है, इसे हम फ्राई कर लेंगे घी में। इस काजू को हम गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। आप सबको ये डिश बहुत पसंद आने वाली है, मुझे यकीन है। काजू को हमने निकाल लिया है, अब इसमें हम रेस्ट ऑफ द ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। इसे हम अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। पिस्ता हमने रोस्ट कर लिया है, इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। कढ़ाई में अब हम मिल्क ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने क्रीमी मिल्क लिया है, इसमें हम इलायची डालेंगे। और इसे कुक करेंगे। अब इसमें हम चावल को ऐड करेंगे, इसे हमने अच्छी तरह क्लीन कर लिया था। इसे भी अच्छी तरह हम कुक करेंगे। अब हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, बहुत ही डिलीशियस फ्लेवर आएगा इससे, एक रिच एंड क्रीमी फ्लेवर आएगा। आप सभी को बहुत पसंद आने वाली है ये डिश। आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम इसमें केसर ऐड करेंगे। केसर से कलर बहुत ही अच्छा आने वाला है। और इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठी पसंद हो तो आप ज़्यादा चीनी डाल लें। अब हम इसमें रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। वाओ, डिश बहुत ही अमेजिंग दिख रही है। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। इसमें हम रोज वाटर ऐड करेंगे। डिश रेडी टू सर्व है। खीर को हम ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। खीर बनकर रेडी है। बहुत ही डिलीशियस एंड अमेजिंग डेजर्ट है ये। आप सब से रिक्वेस्ट है, इसे प्लीज़ ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।